हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्प लाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी बाय एजेंट, एजेंट के द्वारा मर्चेंट नेवी लाइन को कैसे ज्वाइन किया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा आप अवॉइड करो कि मर्चेंट नेवी लाइन में आप एजेंट का हेल्प लेने का अवॉइड करो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, अगर लास्ट लाइफ लाइन रखो तब आप एजेंट का रख सकते हो। एजेंट के लिए आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो किसी भी एजेंट का सिलसिला जो स्टार्ट होता है वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेने से स्टार्ट होता है। तो आप ध्यान रखो कि कभी भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप सिंपली से कॉलेज को जाके कॉल करो या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे कॉलेज को मेल कर सकते हो, कॉलेज को जाके विजिट करो, उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसीजर पता करो कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। कोई बंदा आपको बोलता है इतना पैसा तो मैं इसमें एडमिशन करवा दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा, तो वो आप फ्रॉड कर रहा है। कुछ मैं सोशल मीडिया पे न्यूज़ इस तरीके से देख रहा हूँ जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो फ्रॉड स्कैम हो रहा है बंदे लोग के साथ, जो अभी फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, ये अभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है फेसबुक। अब फेसबुक पे देखिए क्या होता है कि बंदे लोग ये पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे एक पेज है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किस नाम से वो पेज सब है, फेसबुक के बहुत सारे पेज सब हैं। उस पेज पे क्या होता है, जो ग्रुप बना हुआ उसमें क्या करते हैं भाई, लिख देते हैं कि भाई ऑयलर का इतना सैलरी, वाइपर का इतना सैलरी, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ ज्वाइनिंग होगा, वहाँ ज्वाइनिंग होगा, सैलरी इतना मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ पर नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं। अब बंदे लोग को जिसके लिए जॉब चाहिए वो क्या करता है, उसको कॉन्टैक्ट करके कॉल करता है, लेकिन उसके साथ फ्रॉड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। व्हाट्सएप इसी तरीके से, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया था मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन का अपना ग्रुप है। अगर आप चाहते हो कि उसमें अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड अगर चाहते हो इन्फॉर्मेशन लेना तो उस ग्रुप में आके आप जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ग्रुप है और सभी दो चार ग्रुप सब है मर्चेंट नेवी लाइन के, जो शोभित सर का भी ग्रुप है, ठीक है, मेरा भी ग्रुप है और सब तीन चार यूट्यूबर उसका भी ग्रुप है। उसमें क्या करते हैं, जो भी बंदे लोग जाते हैं ऐड होते हैं वहाँ से उसका नंबर निकालते हैं। सपोज़ करो किसी बंदे ने जॉब से रिलेटेड कुछ पूछा अगर, तो क्या करते हैं उसको, वो उससे मैसेज करते हैं प्राइवेट में जॉब के लिए। तो ये सब एक सबसे पहली बात, जो उस ग्रुप में, जो मेरे ग्रुप में भी तीन चार बार मैंने देखा कि आया अर्जेंटली रिक्वायरमेंट, इतना सैलरी, इतना रैंक पे लेगा बंदे को, ये है, यहाँ ज्वाइनिंग, वहाँ ज्वाइनिंग, तो उसको मैंने पहले वार्निंग दिया, वार्न किया उसको, अगर नहीं सुधरा तो डायरेक्ट उसको मैं रिमूव कर देता उसको ग्रुप से, ठीक है। तो मैं सब बंदे को बताता हूँ कि भाई ग्रुप में आप ऐसा काम नहीं करो। ग्रुप में मैं सिर्फ ग्रुप का मोटो मेरा इतना ही था कि ये सिर्फ शेयरिंग का नॉलेज मिले, किसी का हेल्प हो सके, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। ये कोई जॉब के लिए कोई मैं प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि आप जहाँ पर जॉब सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यार जितने भी एजेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आप समझदार हो तो भाई सुधर जाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रुप में आप बार बार आके ये बार बार जो जॉब के लिए होता है, फिर जो भी जो जॉब से रिलेटेड जो भेजते रहते हैं कितनी सैलरी है, इतनी ये वैकेंसी है, वो सब मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। और भाई तो जो भी मतलब 18 साल से उम्र उसका ज़्यादा एज है तो वो जो एजेंट लेते हो सपोज कर लो, तो आप एजेंट सबसे ज़्यादा मैं बता दें पूरा एजेंट को अवॉइड करो। देन मान लो 18 साल अगर आपका कम है, 18 साल से अगर आपका कम है, अगर आप चाहते हो मर्चेंट नेवी में वर्क करना, ओलिस में करना, तो ये देखो इलीगल चीज़ है। अगर कोई एजेंट बोलता है कि मैं इसको लीगली करवा दूंगा तो मत जाओ, मैं आपको प्रिफर करूंगा मत जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर 18 साल से कम हो तो आपको गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करता, आपका लॉ ये अलाउ नहीं करता कि आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये है दूसरी बात कि जो मर्चेंट नेवी लाइन में हो क्या रहा है कि जो अनफिट लोग हैं, जो मतलब मेडिकली फिट नहीं है या फिर फिजिकली फिट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मैं फिट करवा दूंगा। सपोज़ कर लो आप डेस्क साइड में आपको जाने का है और आपका आई साइज 6x6 नहीं है प्रॉपर, तो आप क्या करोगे, अगर मान लो किसी का 6x9 है, 6x18 है, तो उसको भाई लेसिक करवाना पड़ेगा, उतना का लेसिक या फिर लेज़र होता भी नहीं है। अगर कोई एजेंट अगर आपको बोलता है कि मैं आपको मेडिकली फिट का रिपोर्ट ला के दे दूँगा डीजीशिप अप्रूव्ड डॉक्टर से, तो ये आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि वो आपको दे देगा, सपोज़ करो मेडिकली अप्रूव डॉक्टर से अगर आपको दे देता है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम की गारंटी कौन लेगा कि आपको कोई कंपनी सेकेंड टाइम जॉब देगी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। जो बोलते हैं कि हाइट कम है या फिर मेडिकल आप अनफिट हो, मैं आपको फिट करवा दूंगा, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मैं आपको इस कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा, ये सब पे ध्यान मत दो, ठीक है। जो भी कॉलेज है, लिमिटेड कॉलेज आप चूज़ करो, जो भी एडमिशन लेना है, जो भी कोर्स रिलेटेड, DNS हो गया, BSc नॉटिकल, जो भी आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप किसी भी कॉलेज के या फिर किसी भी कंपनीज के एडवर्टाइजिंग पे मत जाओ। जो कॉलेज है या फिर जो भी कंपनीज है वो अपना एडवर्टाइजिंग जो करती है, उस एडवर्टाइजिंग पे, उस कंपनी पे आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब पैसा खर्च करके अपना एडवर्टाइजिंग करती है, उस चीज़ से आपको ध्यान देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। आप जो भी रियलिटी है बंदे लोग से पता करो, किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी कंपनीज के बारे में, उसमें वैकेंसी क्या है, उसमें वेटिंग पीरियड क्या है, तो वो आपको बंदों से पता चलेगा, ना कि उस कॉलेज के वेबसाइट पे, ना कि उस कॉलेज के एजेंट से, ना कि उस कॉलेज के या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉय से। वो सब आपको ट्रूथ बात, वो सब आपको सही बात नहीं बताएंगे, ठीक है। और ये मतलब ये जो फेसबुक पे ज़्यादा चल रहा है, जो भी बंदे लोग क्या करते हैं, जो अपना पोस्ट लिखते हैं कि भाई
अर्जेंटली जो है करना, तो वो सब पे आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कि वो सब फ्रॉड होता है। अक्सर मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आता रहता है कि भाई इसने इतना पैसा लेके भाग गया इस बंदे का, ठीक है इसके साथ ये फ्रॉड हो गया, इसके साथ वो फ्रॉड हो गया। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करो यार, ध्यान दो अपना, आपकी मेंटेलिटी इतनी हो चुकी है, आप इतना सोच सकते हो कि यार कौन आपके साथ गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, आप ये सोच सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ होने से बचो, आप सेफ रहो, ठीक है। ये मेरा मोटिव रहता है कि जो भी बंदे लोग को मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई अर्जेंट लेने से मत जाओ। किस लिए मैं अवॉइड करता हूँ आप लोगों को, कि भाई आप लोग सेफ, आप लोग का करियर हो। और मर्चेंट नेवी लाइन का जो एजेंट का जो सिलसिला स्टार्ट होता है आपको कॉलेज में एडमिशन से, जो भी आपको देखोगे आप जैसे 12th पास करोगे आपको बहुत सारे कंपनीज की, बहुत सारे कॉलेज के मेल आएंगे, ठीक है। बहुत सारे एजेंट आपको कॉल करेंगे कि भैया मैं आपको यहाँ एडमिशन दिलवा दूंगा, वहाँ दिलवा दूंगा, उस कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, ठीक है। तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं बंदे लोग को, लेकिन वो सब ज़्यादातर क्या 99% भाई फेक ही होते हैं, ठीक है। कुछ 1-2% है जो जेन्युइन एजेंट सब जो सब वर्क ठीक ठाक करते हैं, तो वो सब के पास अगर आप जा सकते हो तो जा सकते हो, लेकिन पैसा फर्स्ट में किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। जो भी बोलता है कि पैसा पहले दे दो, पैसा काम करने के बाद ही देना है, पैसा पहले कभी भी किसी को नहीं देना है। और जो भी कोर्स करो डिजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करो, जो भी अप्रूव्ड कॉलेज है उससे आप कोर्स करो। और मैं आपको एक बता दूं, जैसे कि न्यू जो बंदे लोग जो अभी मर्चेंट लेवल में आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, जी पी राइटिंग करते हैं, एच टी सी करते हैं, तो वो सब आप लोग उस पर ध्यान मत दो। कोई भी अच्छा डिग्री कोर्स करो, जो भी अच्छा जो कोर्स करने के फ्यूचर में आपको जॉब मिल जाए, जॉब के लिए आपको सोचना ना पड़े, वो सब कोर्स करो यार। ये सब छोटे मोटे कोर्स करके सोचोगे फ्यूचर में अच्छा कैप्टन बन जाना, चीफ ऑफिसर बन जाना, तो अब ये इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है ना। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा इस तरह का जो न्यूज़ है, अभी मर्क लाइन का जो न्यूज़ आया था उस न्यूज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जो भी कंपनीज की न्यूज़ हो गया, फिर जो भी कॉलेज के बारे में किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि उस न्यूज़ को पढ़ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी सोशल मीडिया या FB हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सब चीज़ पे या फिर जो भी कंपनीज के आपको कॉल आते हैं, मेल आते हैं, वो सब चीज़ को आप अवॉइड करो। इस लाइन से आपको ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। इस लाइन के बारे में ज़्यादा चीज़ अगर ध्यान देते हो उस एजेंट पे, तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहते हो कि डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट हो, तो आप स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, तभी से आपका फ्रॉड का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, तब से जो आपके पीछे फ्रॉड पड़ जाता है। तो आप लोग ध्यान दो कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट में, लेकिन विदाउट एजेंट से। एजेंट को जितना से इतना अवॉइड कर सकते हो, वो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, आपकी कंपनीज के लिए बेस्ट होगा। आप फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आप कंपनी में वर्क करते हो, वो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी का जो ऑफिसर होता है, सब जानता है आपके बारे में पूरा, आपके उसका जो आप रिज्यूम फॉरवर्ड करते हो सारे का सारा नॉलेज उसके पास होता है। तो या कोई एजेंट जो बोलता है कि मैं करवा दूंगा उस कंपनी में, सब फ्रॉड सब है, ठीक है। सबसे वो ध्यान नहीं देना, और खास के सोशल मीडिया पे मत ध्यान दो। जो भी फेसबुक है, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है फेसबुक, तो फेसबुक में हर बंदे को बोलूँगा फेसबुक में मत ध्यान दो। मैं देखता हूँ अक्सर बंदे का कमेंट बॉक्स में कॉल कर फिर मोबाइल नंबर लिखा होता है, तो अपना मोबाइल नंबर क्यों देते हो आप दूसरे के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मोबाइल नंबर देते हो कि भैया मेरे को जॉब चाहिए कॉल करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप अवॉइड करो। और फ्रेंड मैं आपको हर वीडियो में एक न्यूज़ देता हूँ, तो इस वीडियो में आपको एक न्यूज़ दे दूँ कि मर्क लाइन का ये न्यूज़ है कि मर्क लाइन जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, उसने एक नोटिस लागू किया अपनी कंपनी में, उसी कंपनी की एक पॉलिसी समझ सकते हो कि उसने अपनी कंपनी की एक पॉलिसी बनाई है कि वो फोर्थ इंजीनियर को अब शिप पे नहीं लेंगे। वो अपनी कंपनी के शिप पे फोर्थ इंजीनियर को नहीं लेंगे। फोर्थ इंजीनियर में जो कोर्स करने के बाद जाते हैं, जो आपका वेटिंग पीरियड, जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब शिप पे जाते हैं, आपका ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, फिर आप एग्जाम देने के, जब फोर्थ इंजीनियर का प्रमोशन होता है, तब आपको कंपनीज मर्क लाइन जो है वो नहीं लेगी। उसके बाद ले सकती है, उसके नीचे ले सकती है, लेकिन फोर्थ इंजीनियर को नहीं लेगी। तो ये एक कंपनी का नोटिस था, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखो बड़ी कंपनी है तो उसकी क्या हाई रिप्यूटेड कंपनी है, तो वो चाहता है उसके पास जो बंदे आए वो हाई रिप्यूटेड बंदे हैं, मतलब कि अच्छे खासे बंदे मिले। और बार बार जो छोटे मोटे कोर्स किए बंदे, यानी कि मान लो जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फोर्थ इंजीनियर सब हो गया, थोड़ा मोटा उसके पास एक्सपीरियंस है वर्क करने का, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सबको कंपनी क्या करती है, बार बार कंपनी में जाकर वो सब बंदे लोग रिज्यूम फॉरवर्ड करते, तो कंपनी क्या होती है, हेरिटेज हो जाती है, कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बार बार वो सब बंदे करे रिज्यूम पर है, उतना रिज्यूम पर ध्यान देते। इसलिए कंपनी सब क्या नोटिस चिपका दिया भाई कि मर्क लाइन जो है कि वो फोर्थ इंजीनियर को नहीं लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं हर वीडियो में एक न्यूज़ देता रहता हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी मर्चेंट ने विथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।